2022 की शुरुआत में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता के मूड को जानने के लिए एबीपी सी वोटर ने एक सर्वे किया। सर्वे के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम से प्रदेश की आधी आबादी संतुष्ट है और उनका विश्वास सीएम योगी पर कायम है। बीजेपी सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है, वहीं सपा मजबूत विपक्ष के रूप में दिखाई दे रही है। सर्वे में बीजेपी को सबसे अधिक 259 से 267 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी को 100 सीटों के आसपास रहने की बात कही गई है। सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी गठबंधन को 42% वोट मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन को 30% वोट, बहुजन समाज पार्टी को 16% और कांग्रेस को 5% वोट मिलने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश में किस मुद्दे पर जनता वोट करेगी, इसके जवाब में 3% ने बताया भ्रष्टाचार, 39% ने बेरोजगारी, 26% ने महंगाई, 19% ने किसान, 10% ने कोरोना और 30% ने अन्य मुद्दा बताया है। सर्वे में सबसे बड़ी समस्या लोग महंगाई और बेरोजगारी को बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष से इसलिए नाराज हैं कि वह इन मुद्दों को जोरदार ढंग से नहीं उठा रही है। अगर विपक्ष इन मुद्दों पर सक्रिय होता है तो जनता का मूड बदल सकता है। सर्वे के दौरान जब एक सवाल किया गया कि सीएम योगी के कामकाज से कितना संतुष्ट है, तो 44% ने कहा कि वह बहुत संतुष्ट है, 18% कम संतुष्ट है, 37% असंतुष्ट है और 1% ने कहा कि वह कह नहीं सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।